हर साल नववर्ष के पहले कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विशेष प्रबंधन करती है। लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने और हुड़दंग न मचाने से आगाह करने के लिए सख्त कार्रवाई के लिए जाने के संबंध में चेतावनी भी देती है। लोग भी पुलिस की ऐसी चेतावनी को खानापूर्ति मानकर नजरअंदाज करते रहे हैं। इस बार पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुड़दंग मचाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को खास अंदाज में आगाह किया है। बुरहानपुर एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारी और आबकारी विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। 31 दिसंबर की रात में नववर्ष के जश्न को लेकर युवा मस्ती में हुड़दंग मचाते हैं। इसी मस्ती पर पुलिस प्रशासन ब्रेक लगाएगा और इसको लेकर एसपी राहुल कुमार सख्त हैं। होटल ढाबों पर भी मतलब जहां भी अवैध शराब पीते हुए या कोई भी व्यक्ति पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की। होटल ढाबों पे शराब परोसी जा रही है जी। होटल ढाबों के लिए ही मैं बता रहा हूं कि अगर 31 को देखते हुए और आगे 1 जनवरी या आगे भी भविष्य में अगर कहीं इस तरह की घटना कोई मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। न्यू ईयर के दिन जो है वो सबसे पहले तो हमारे पूरे शहर में एक पुलिस व्यवस्था रहेगी जिसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि लेट नाइट जो है वो कोई भी शराब पी के वाहन ना चलाए। अगर वाहन चला रहे तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हो ताकि एक्सीडेंट्स जो होने वाले हैं उनको हम लोग रोक सकें। साथ ही साथ में जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है या जिन लोगों को जो है वो परमिशन मिली हुई है उसी के अनुरूप ही और उतने टाइम तक ही वो अपने अपने जो दुकान वगैरह है वो खुली रख पाएंगे और लोग भी उसका जो है वो आनंद ले पाएंगे।